वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। सालिक भाई, हाँ राजेंद्र बोल रहा था, पराना। हाँ जी, राजेंद्र भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई साहब, आपके भतीजे का क्या रहा? भाई भतीजा अभी अपने इंडियन टाइम के मुताबिक 2:30 बजे वो वहाँ हंगरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। जितने भी इंडियंस हैं ना हाँ, वो बस के अंदर रवाना हुए हैं। मैं आपको बस की फोटो अभी सेंड करता हूँ। आप बस की फोटो सेंड कर दो। और जी जी वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी जितनी एफर्ट से कर रही है, पर फिर भी बहुत बढ़िया। मैन टू मैन भी अगर कोई दिक्कत हो ना तो आप बता देना। जी 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 बता आपकी दूंगा बात मैं। हुई क्या बच्चे से? बच्चे से बात होती रहती मेरी, अभी भी फोन आया था उसका, बस में से फोन कर रहा बैठा मुझे। नहीं, उस बच्चे को क्या लगता है, इंडिया गवर्नमेंट कुछ कर रही है नहीं कर रही है? क्या क्या लगता है आपको? नहीं बिल्कुल, इंडिया गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है और वहाँ एम्बेसी से कंटिन्यू बात होती रहती है। सब बच्चे बात करते हैं, अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। उन्होंने पूरी बस का वीडियो बना के इंडियन एम्बेसी जो क्यू के अंदर है वहाँ उन्होंने उसको डाल दिया है कि भाई हम इस टाइम रवाना हो गए हैं और तकरीबन रात के 11 बजे तक हम हंगरी बॉर्डर पे होंगे, तो वो पूरा अपडेट दे रहे हैं उसको। अच्छा, एक बात तो बताओ, जी आने का किराया कितना लग रहा है? अभी तो इंडिया गवर्नमेंट क्या है कि फ्री में हवाई जहाज कर रही है। अपने मंत्री तैनात कर दिए ना था, आप 4 मंत्री तैनात कर दिए हंगरी बॉर्डर पे, पोलैंड बॉर्डर पे, रोमानिया बॉर्डर पे और एक जगह और है। नहीं, ये कुछ लोग जो मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, साले ये कह रहे हैं साहब 4-4 गुना, 8-8 गुना किराया ले रहे हैं, ऐसे नहीं नहीं वो झूठ। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, शुरू में जो 20 तारीख 21 तारीख को जो कहा था ना कि साहब 3 प्लेन लेने जाएंगे, तो वो इंडियन एयरलाइंस थी और वो प्राइवेटाइजेशन में गई हुई है। वो तो एक जनरली उसके अंदर जो क्या था कि वो जो सब लोग किराया ले रहे थे ना, ये तो कुछ भी नहीं है। फ्रांस की तो 1,45,000 ले रही थी, ये तो 70,000 ले रहे थे। तो इस पर भी उन्होंने मोदी जी ने इसको खत्म करके कहा कि ये मेरी प्रायोरिटी है कि मैं एक एक इंडियन को फ्री में लेकर के आऊंगा इंडिया। ओके ओके, चलो मालिक करे बच्चा आ जाए, फिर और भी कोई बहुत अच्छा दिक्कत। काम कर रहे हैं। हमारी अल्लाह से दुआ यही है कि आने वाले वक्त में मोदी जी आए और हमारे दिल से दुआएं निकलती है। हमारा परिवार दुआएं कर रहा है, हमारे टॉप के मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। बहुत अच्छा वर्क कर रही है वहाँ की एम्बेसी, मोदी जी भी, सब सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो बहुत खुशी थे को वाकई ईमानदारी से? अल्लाह की कसम, अजान हो रही है, कसम खा रहा हूँ मैं आपको, मैं झूठ नहीं हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ। नहीं, वो बिल्कुल तो हम थैंक करते हैं मोदी जी को, हमारी बात वहां तक पहुंचाई जाए। आप उनसे गए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने अफगानिस्तान में देखा, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने अफगानिस्तान में देखा, वहां से लोगों को लेकर के आए साहब। अच्छा, मैं इस रिकॉर्डिंग को आगे भेज दूंगा आपसे, मेरी जो बातचीत चल रही बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस रिकॉर्डिंग को पहुंचाइए जो लोगों को ये मालूम हो, असलियत मालूम हो। क्योंकि हमें, हमारे पे अभी मुसीबत पड़ी है, हम देख रहे हैं और उस मुसीबत को मोदी जी दूर कर रहे हैं। ऊपर अल्लाह है, नीचे मोदी जी है। सीधी बहुत बड़ी सीधी बात, बात तो ये कोई है, बहुत बड़ी बात कर रहे हो सालिक भाई, बहुत ये बड़ी बात बड़ी कर रहे बात हो। नहीं है साहब। उन्होंने करा है, देश के लिए करा है, हमारे लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो रातों को नहीं सो रहे, हम देख रहे हैं टीवी को, हम रात रात भर देखते हैं मोदी जी मीटिंग ले रहे हैं, दिन में ले रहे हैं, रात में ले रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब। चलो ठीक है, मैं आपकी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आपसे पूछ के भेज रहा हूँ, कल को ये बिल्कुल वायरल बिल्कुल, वायरल हो जाए तो मुझे आप ओड़वा दे तो अभी मना कर दो भले ही। नहीं 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 साहब बिल्कुल, कोई और मत दूंगा, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, आपको परमिशन दे रहा हूँ। लोगों तक ये पहुंचना जरूरी है कि हमारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट और मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दिल से तारीफ करता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ, मोदी जी को, यहाँ बैठे बैठे, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मालिक उनको रखे। ठीक है सालिक भाई, ठीक है। चलो, ओके सर, थैंक यू। मैं तो फोन यूँ किया था कि जी जी अब एक सिस्टम डेवलप हो गया, अगर कोई बच्चा नहीं आ पा रहा तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, इसलिए मैंने जी आपका जी मैसेज जी पढ़ा था, इसलिए मैंने जी आगे जी से फोन किया आपको। वो 4-5 दिन की पहले की बात थी और अभी जब उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी और सब लोग आ ही रहे साहब, 5-6 फ्लाइटें तो आ चुकी है इंडिया के अंदर, हाँ, तकरीबन 1,200 बच्चे आ गए साहब। सही बात है, सही बात है। हाँ 1,200 बच्चों को लिया है। ठीक है और सर, फिर आज 4 मंत्रियों को तैनात कर दिया, सब लोग मंत्री उनको वहाँ के दूतावास से संपर्क है और कंटिन्यू चल रहा है मामला। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। चलो एक बार देखे वो बच्चे का फोटो और वो वीडियो, और वो को उसका नाम भी भेजना, बच्चे का भेजो जी जी मैं पहुँचाता हूँ, भेजो। ठीक है, ठीक है पहुँचाता सालिक भाई, हूँ। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।